हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह दोस्तों, अभी फ़िलहाल देखो मैं उठा हूँ और आधी उठ के खेलने में लगा हुआ है। और इसकी देखो अब मैं आपको हरकतें दिखाऊँ। अभी सुबह हुई है दोस्तों, अभी सुबह के 7 बजे हैं और आज मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ। ये मेरे संग उठा है, इसने बिस्तर भी गीला कर रखा है आज। और सुबह से उठ के क्या करने में लगा है ये देखो दोस्तों। सुबह से देखो इसने सारी खिड़की बंद कर दी। सबसे पहले देखो विंडो बंद कर देता, पता नहीं इसे क्या हो जाता है। ये गेट भी बंद कर देगा, ठीक है, ये विंडो बंद कर देगा। और अब देखो बैठ के चूना खाना है इसने और कुछ नहीं करना है। ये देखो बिस्तर गीला कर रखा है इसने और साथ में मुझे भी गीला कर दिया है। और देखो मुँह आ करो, आ कर देखो कितने, देखो मुँह में चूना लगा हुआ है। आ करके दिखा, चूना खाया ना, इधर देख के बताओ, इधर चूना खाया, कितना खाया, देखो अदाएं देखो दोस्तों, देख रहे हो, चूना खा के इतना खुश रहता है। इसे मैं कैल्शियम की सिरप भी पिला रहा हूँ, कुछ नहीं है। और ये देखो सब गीली कर रखी है। और देखो नंगा बाबू घूम रहा है, नंगू बाबू नंगू छेम छेम कर देंगे सब। तो फिलहाल दोस्तों अभी इसकी मम्मी आई नहीं है ड्यूटी से, 8:30 बजे तक वो आएगी। तो जब तक वो आएगी दोस्तों, तो मैं थोड़ा काम समेट लूँ, इसको कपड़े बदल के, इसको पैम्पर ऊपर पहना के और फटाफट झाड़ू वाड़ू मार दूँ जब तक। आज मौसम दोस्तों इतना प्यारा हो रहा है, देखो सुबह से ही 7 बज रहे हैं और सुबह से बादल लगे हुए हैं। और दूर से दिखाऊँ मैं, देखो कोई धूप नहीं है, कुछ नहीं है, बादल लग रहे हैं। ये देखो फिर इसने यही हरकत करी, देखो खिड़की बंद करके तब चला गया, देख रहे। और आज वैसे भी दोस्तों यार मेरे संग बड़ा वो हो गया, रात फ़ोन चार्ज पे लगाया था और सुबह उठ के देखा तो फ़ोन चार्ज ही नहीं है। ये देखो वो उधर नंगे की, और ये देखो आते ही ड्यूटी से आया और आते ही उसे छेड़ना शुरू, परेशान करना शुरू कर दिया उसको। देखो ये देखो बॉल से खेलने में लगे, आदि फ़ोन छोड़ के बॉल से खेल ले। ये लड़का भी बस इसे फ़ोन दे दो हैं। और अभी फटाफट, तो फिलहाल दोस्तों मैं फ्रेश व्रेश करके रेडी हूँ और अभी मैं फटाफट चाय वाय बना दूँ इसके लिए, क्योंकि अभी इसे जाना है दादी को दिखाना है 10 बजे फिर से। ये देखो मेरे मानने में लगी है। ये देखो यार गाइस, ये देखो ये कुर्ते पे इंजेक्शन गिरा था मेडिसिन ड्यूटी पे और वो दाग छूटा नहीं। अब देखो हार्पिक डाल के साफ किया जा रहा है, देखो हो जाए साफ, हार्पिक डाल के साफ किया जा रहा है। ये देखो कुर्ता, एक बार ट्राई मार के देखूं, ये देखो मिला देती, थोड़ी देर लगती है ऐसी, क्या पता साफ हो जाए। हार्पिक डाल के साफ कर रहे हैं, अगर हार्पिक का काम हो गया, हार्पिक अपना काम, अरे दिखाओ जरा, साफ हो गया ना, थैंक गॉड। ओ भाई हार्पिक से साफ हो गया यार, मतलब इतना दाग, इतना इसने घिसा, सब चीज लगा ली, सर्फ साबुन सब इस्तेमाल कर ली भाई, हार्पिक से देखो साफ हो गया भाई, देखो बिल्कुल साफ हो गया हार्पिक से दाग पूरा। वाह भाई वाह, तो अब हार्पिक से कपड़े धोना शुरू आज से हार्पिक से कपड़े धोया करेंगे। यार मैं अपनी जा रहा हूँ खिचड़ी बनाने, इसको भूख लग रही है तो चाय पक के पागल हो गई है, पहले चाय बनाए फिर खिचड़ी बनाते हैं। भाई अब हार्पिक से धोऊंगा मैं भी अपने कपड़े, जिस कपड़े में भी अगर दाग लग जाए साला हार्पिक डालो और दाग मिटा दो। तो गाइज अपनी खिचड़ी बनके रेडी हो चुकी है, ये देखो ये बनके अपनी खिचड़ी रेडी हो गई है। ईशा पीटर को भूख लग रही है, फटाफट मैं इसको दे दूँ थोड़ी सी खिचड़ी निकाल के, ये खाने को बैठ हुई है, इसको देनी है, इसको भूख लग रही है बहुत तेज। और ये देखो दोस्तों क्या मस्त खिचड़ी बनी है अपनी, देख रहे हो। भूखे बंगाली को देते हैं पहले, ईशा पीटर को आदि लाओ, कहाँ डाल दी, अच्छा अंदर डाल दी, लाओ निकालो तो, इधर आओ मेरा बेटा, इधर ये बता बाबा कहाँ रहता है, इधर तो देख, अरे नहीं है पापा है, पापा के पास है, पापा के पास कौन है, पापा मार क्या करो, जब मार क्या, हाँ क्या बाबा, बाबा को खा कर मार क्या, अच्छा बॉल लेके आओ, जल्दी जा बॉल लेके आओ ना, जल्दी जा बॉल लेके आओ,
बॉल ले लिया जल्दी भाग गया। डर लग गई बाबा था। तो फिलहाल दोस्तों अभी 1:30 बज चुका है और हम लोगों के सोने का टाइम हो गया है। अभी मेरा बेटा सोएगा और देखो रोतड़े की शक्ल, देखो रोतड़े की। तो अभी इसको सोना है तो फिलहाल जल्दी से इसको सुला दें क्योंकि ये 2-2.5 घंटे 3 घंटे आराम से फिर सोएगा। इन्हें मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है सुबह से, 2 बज गया सोने का नाम नहीं है और नींद आँखों में इसकी। तो मैं इसे फटाफट पहले सुला दूँ। सोएगा नहीं सोएगा? कैसे देख रहा है, क्या देख रहा है? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो एक्टिंग मैच की देखो। अरे बाप रे, हाँ हाँ चले। अरे भाई बा, 4 बज चुके हैं दोस्तों और ये आदू देखो मैं जब घुस गया, देखो अलमारी के पीछे। 2 बजे इसे सुलाया था मैंने और 3 बजे ये उठ के बैठ गया और 3 बजे से इसने हमारा परेशान करके रख दिया है। हमें इतना परेशान कर रखा है 3 बजे से इसने। ये देखो ये निकला उजाड़ू, देखो 1/2 घंटे तो ऐसे मैं चुप कराता रहा, रोना रोना। चीनी खाएगा, चीनी चीनी चीनी, पता नहीं कौन सी जिद मान लेता है। मौसम भी अच्छा हो रहा है, बादल से लग रहे हैं हल्की हल्की सी, ऐसा लग रहा है रोशनी धूप की सी है। और फिलहाल दोस्तों अभी पैकिंग करनी है, कल जाना है घर, यानी कि इसके मोटे के घर जाना, मोटे के घर। देखो ये मोटे के घर जाना है कल घर, इस मोटे के। और ये तो बस उजाड़ू है, ये तो नानी के यहाँ जाके अपनी ऐसा हो जाता है पूछो मत। अभी फिलहाल दोस्तों मुँह हाथ धो के तैयार होकर चलते हैं, जरा बाजार होके आते हैं, थोड़ा सा देख के आते हैं सामान वामान। मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं दोस्तों KFC, तो KFC से चिकन लेके आते हैं और शाम का देखते हैं। होट अभी सही नहीं हुआ है, देखो दोस्तों यार पता नहीं क्या हो गया होट में, इतनी दवाई है, एंटीबायोटिक भी खा रहा हूँ, एंटी एलर्जिक भी खा रहा हूँ, तब भी साला सही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो KFC से पहले लेके आते हैं चिकन, फिर चलेंगे सुशीला तिवारी। तो फिलहाल दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ KFC, ऑर्डर कर दिया है मैंने। और ये देखो आप, ऑर्डर अपना हो चुका है और यहाँ पे बस आने वाला ऑर्डर अपना। ये लड़का देखो दोस्तों सोने का नाम नहीं ले रहा, रात हो गई है, रात के 9:30 बज चुके हैं और इसे नींद नहीं आ रही है। दिन में भी बस 1.5 घंटे सोया है, क्यों नींद नहीं आ रही है, सोना नहीं है, सोगे नहीं? इधर देखो अदाएं मत दिखाओ, ये बताओ सोगे नहीं सोगे हैं? क्यों नहीं मुस्कुरा के मत दिखाओ मुझे, ये बताओ सोगे या नहीं सोगे हैं? मैं तो जा रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों 9:30 बज चुका है, इसे सुलाने की मैंने बहुत सारी टेक्निक अपना ली पर ये सोने में नहीं आ रहा है। खाना पीना खा लिया है, KFC गए थे आज, मन था काफ़ी टाइम बाद KFC का चिकन खाया और पेट भर गया है, भूख लगनी दी है, सब्जी रखी है, रोटी बनी है, भूख लगेगी रात में तो खा लेंगे। बाकी ये देखो यार हम दोनों ना बस पूरे घर में देखो अकेले, कोई नहीं है पूरे घर में, हम बाप बेटे अकेले रहते हैं बस दोनों और मस्त रहते हैं। है आदि मजे में पापा के चंग, क्यों आईब्रो चला के दिखाओ ऐसे करके कैसे चलाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों रात हो गई है, इसे सुलाऊं मैं, इस ब्लॉग को एंड करेंगे, मिलेंगे एक जल्दी नए ब्लॉग के साथ यानी कि कल। और कल सुबह हमें जाना है आदि की नानी के घर, है आदि कहाँ जाएगा? नानी घर। 2 दिन का ऑफ है ईशा का, 2 दिन की छुट्टी है, नेक्स्ट डे उसकी इवनिंग है। कल जाएंगे 27 की मॉर्निंग में, 27-28 रुक के 29 को सुबह आएंगे हम। तो मिलेंगे आपसे अब नए ब्लॉग में यानी कि भवाली के ब्लॉग में। तो जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।